हेलो फ्रेंड, सचिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन देने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, सबको बताएं, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है। और ऐसे में बहुत बार मैं ये लोगों से सुनती हूँ कि यार प्लीज़ कैसे पेमेंट करें, कैसे बैंक में जाके आपके अकाउंट में जमा करें पैसे, या पैसे देने हों तो यार मैं एटीएम ख़राब था, मैं नहीं निकाल पाई, यार पे कैसे करें। अब सेकंड पर्सन के पास तो ऑप्शन होता है फ़ोन पे का, लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे पे करना है। तो आज मैं आपको इसी के रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि फ़ोन पे कैसे ऑपरेट करें। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि लोग डरते हैं इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा कहीं फंस जाए या कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ। तो मैं आपको बता दूँ कि अब फ़ोन पे भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आपको हर चीज़ ट्रांसफ़र करने से पहले, ऑपरेट करने से पहले आपका सिक्योरिटी कोड मांगता है। वो उसमें आप कुछ भी अपना, जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, फ़ोन पे मैंने स्टार्ट कर लिया है, अब मुझे ट्रांसफ़र करना है पैसे। फ़ोन पे मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। देखिए, आप जा रहे हैं, आपको किसी को पेमेंट करना है फ़ोन पे, वो पर्सन कहीं भी है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बस ये ज़रूर होना चाहिए कि जिस पर्सन को आप पेमेंट करने वाले हैं वो भी फ़ोन पे ज़रूर यूज़ कर रहा हो। तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपका टू कॉन्टैक्ट, इसमें आप पहले सारे ऑप्शंस देख लीजिए आराम से, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके दी हुई हैं, इधर भी सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप इधर भी देख लीजिए ट्रांसफ़र मनी, ये सब क्लियर है। टू कॉन्टैक्ट, टू अकाउंट, टू सेल्फ एंड बैंक बैलेंस, इसमें आप बराबर से अपना बैंक बैलेंस जान सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है, कुछ भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कुछ फ्रॉड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, वो मैं वन बाय वन सब बताती रहूँगी आपको कि कैसे होना है, बारकोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। ये देखिए सेकंड में सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, क्योंकि मैं सारे पेमेंट इसी से ही करती हूँ, चाहे वो अकाउंट में हो या कॉन्टैक्ट में हो, सारी पेमेंट मैं इसी से ही करती हूँ। थर्ड में देखिए आप आराम से व्यू ऑल ऑफर्स, व्यू माई रिवॉर्ड्स, रेफर एंड अर्न मिनिमम ₹100, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। अब इसमें देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, घर बैठे आपको करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी शॉप में नहीं जाना है, किसी बैंक में नहीं जाना है, आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप यहीं भर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये नया ऑप्शन आया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप इसमें आराम से देखिए बैठे हुए अपना प्रीमियम जमा करिए, कहीं आपको किसी भी एजेंट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। आप अपने घर पर अपना बस एक मोबाइल उठाइए, अपना ये ऑप्शन चूज करिए और देखिए। अब देखिए ये नए ऑप्शंस है, ये सारे नए ऑप्शंस दिखा रहे हैं। फास्ट ट्रैक रिचार्ज, इसमें टोल में आपको रुकना नहीं है, आपको देना नहीं है, अपना यहाँ से रिचार्ज करिए और बिना टाइम वेस्ट करें आप अपना टोल क्लियर करते रहिए। अब ये नया ऑप्शन है कि आया है बुक अ सिलेंडर, आप घर बैठे सिलेंडर आराम से बुक करिए। सारी तरीके की चीज़ें हैं, पाइप गैस, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, वाटर, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये देखिए फ़ोन पर आप बाकी आप गिफ्ट भी तो मिलेंगे आपको, गिफ्ट भी आपको इसमें देख सकते हैं, अदर गिफ्ट कार्ड्स सारे मिलेंगे इसमें आपसे, गूगल पे का भी लिंक है इसमें, स्कूल फी भी है, आप देखिए इसमें स्कूल फी भी है, डोनेशन भी है, आप जितना करना चाहते हैं, लोन पेमेंट है अपना, किसी भी तरीके का लोन आपका चल रहा है इसमें ऐड करके आप वो पेमेंट कर सकते हैं, डाटा कार्ड कर सकते हैं, एंड म्यूनिसिपल टैक्स भी है। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, और इसको छोड़ के आप क्यों अपना टाइम, आप आजकल आजकल किसी के पास समय ही नहीं है। देखिए एक फोन पे सिर्फ एक ऐप से आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब ये देखिए सारा, मैं ओला से जाती हूँ, इसी में ही जाती हूँ, आराम से इसमें पेमेंट हो जाता है। पॉपुलर ऑन स्विच, ये देखिए आपका एक ऑप्शन है, ये पे स्विच का आप ऑप्शन करेंगे, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। ये देखिए ओला कैब है, ओला कैब में जाइए आप आराम से, वहाँ से लिंक करिए, इसमें देखिए कितने सारे ऑफर्स हैं, ₹80 कैश बैक, 100 कैश बैक, आराम से इसमें आप करिए,
बुक करिए, आपको जहाँ जाना है, जहाँ की राइड लेनी है, आराम से बुक करिए और यहीं से पे हो जाता है। IRCTC भी है इसमें, आराम से आप बुक करिए अपने ट्रेन टिकट। डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑनलाइन है, इसमें आप पे करिए, मतलब आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यार इतनी रात को मन कर गया डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने का, पैसे नहीं है घर में, कैसे होगा, तो इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ़ोनपे आप ज़रूर अब यूज़ करिए इस चीज़ को। इसके बारे में एक बात और बताना चाहूँगी, अभी मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई, उसको क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना था। अब मैं उससे कह रही हूँ कि फ़ोन पे यूज़ करते हो उससे कर दो विद इन अ सेकेंड, आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपका डाटा होना चाहिए और चीज़ें आप क्लिक करो, वन क्लिक में आपका सारा पेमेंट घर बैठे। अब वो बेचारी बहुत दिन से उसका ड्यू हो रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है जाने के लिए बैंक। बैंक में गई तो पता चला कि भैया 300 रुपीज़ कैश जमा करने पे आपके एक्स्ट्रा लगेंगे पैसे, तो एक्स्ट्रा क्यों देना है जब आपके पास फ़ोन पे है, तो एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ये उठाइए और देखिए, ये क्रेडिट कार्ड बिल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, आप क्रेडिट कार्ड बिल पर क्लिक करिए, ये सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास। इसमें अपना देखिए, मैंने तीन तीन अकाउंट ऐड किए हुए हैं, ये देखिए सारे तरीके से कार्ड्स हैं, ये वीज़ा है, रुपए है, मास्टर कार्ड है, डेनिस क्लब है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, जो भी मन करे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उसको क्लिक करिए और अपना पेमेंट करिए, कुछ भी इसमें इशू नहीं आता है। और विद सिक्योरिटी, कोई सब सिक्योरिटी है इसमें, आप ये मत सोचिए कि मैं पे कर रही हूँ, और अगर सपोज करिए आपका किसी कारणवश हो भी जाता है ऐसा, बिकॉज ऑफ कम मतलब डाटा, वो इंटरनेट नहीं चल रहा है, कुछ इशू आ जाता है, तो आपका मनी बैक हो जाता है, मनी बैक का ऑप्शन भी आता है इसमें, तो कोई चिंता की बात नहीं। हाँ कुछ दिन लग सकते हैं, कभी कभी तो घंटों में आ जाता है, कुछ घंटों में चीज़ें वापस हो जाती है, तो डर की कोई बात नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको ट्रांसफ़र करना कैसे है पैसे। जैसे इसमें लिखा है ट्रांसफ़र मनी, इसमें टू कॉन्टैक्ट, इसमें बहुत सारे ये ऑप्शन है आपके पास, दो दूसरों को भेजने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो मोबाइल में अगर आप भेजेंगे तो सेकंड पर्सन को भी फ़ोन पे यूज़ करना है, अगर वो कर रहा है तभी आप उसको आसानी से टू कॉन्टैक्ट में जाकर, और देखिए जितने जितने लोग यूज़ कर रहे हैं उनको मैं आसानी से भेज सकती हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर अपने, ये सारे ये देखिए आपको मार्क्स दिखाई देंगे, पे 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 फोन पे फोन का सब यूज़ कर रहे हैं, देखिए आप खुद देखिए कितने लोग यूज़ कर रहे हैं मेरे ही अकाउंट के लिस्ट में, ये देखते रहिए। अब जब इतने लोग यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो ये देखिए सभी के पास है, ये देखिए सब यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए, मैं तो अपने हस्बैंड का नाम चूज़ कर लेती हूँ कि भाई मुझे पे करना है, मैंने कांटेक्ट में गई, मैंने चूज़ कर लिया। अब देखिए मेरे हस्बैंड भी यूज़ कर रहे हैं, मैंने इसको नंबर को ऐसे क्लिक कर दिया और मेरे को जितना अमाउंट डालना है, सपोज़ करिए मैंने कुछ भी अपना क्लिक कर दिया, अमाउंट डालना, सॉरी वो चैट का ऑप्शन था, और मैं अपना यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालूंगी और सारा चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आप अपना सिक्योरिटी कोड कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी 000 जो भी आपका मन करे, जो भी आप ATM में बनाते हैं विद सिक्योरिटी के साथ आप आ सकते हैं। अब आप जाइए, ये पहला ऑप्शन था आपको बताया मैंने कॉन्टैक्ट में जाने का, अब था टू अकाउंट, अब आप टू अकाउंट में जाइए। अब वो पर्सन है जिनको आपको भेजना है अमाउंट, वो यूज नहीं कर रहे हैं फोन पे किसी भी वजह से, तो किसी हो सकता है किसी डर की वजह से, या उनके फ़ोन में ऑप्शन ना हो या कुछ भी, तो लेकिन आपको भेजना है। अब जैसे कभी कभी पेरेंट्स होते हैं, नहीं होता है वो लोग यूज़ नहीं करते हैं इस चीज़ को, लेकिन हालांकि आजकल सभी पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं कि भैया घर बैठे सब हो जाए, किसी को टाइम ही नहीं है, सब जो भी टाइम है सब अपने घर में बिताना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर एड बैंक अकाउंट कर दीजिए, उनकी बैंक डिटेल आपको लेनी पड़ेगी, तो इसमें देखिए आप सारी बैंक डिटेल यहाँ पर भर दीजिए, IFSC कोड लेना पड़ेगा आपको, उनका अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा, कंफर्म अकाउंट नंबर दोबारा मांगेगा, जिससे कि आपने अगर यहाँ से कोई मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर ठीक हो जाए। अकाउंट होल्डर नेम, फ़ोन नंबर एंड निक नेम, वॉट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी डाल दीजिए। तो ऐसे करेंगे, आगे आगे नेक्स्ट करेंगे, आप सारी डिटेल में अपने आप ऑप्शन आएगा और अमाउंट डालिए और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट, घर बैठे
कोई बिना किसी टाइम के कोई दिक्कत नहीं है टू सेल्फ में। अगर आपके पास एक से दो, दो से ज़्यादा अकाउंट हैं तो आप टू सेल्फ में जाकर अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर आप जिससे चाहे उसमें आप अपने अकाउंट में जितना मन करे उसमें पैसे अपने आप में, मान लीजिए आपने चेक दे दिया ICICI बैंक का, ठीक है, पैसे पड़े हैं HDFC अकाउंट में, तो क्या करेंगे आप, तो फिर आप इसी में ऐड कर लीजिए अपने, उससे खुद ही ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। यस बैंक से है तो आप स्टेट बैंक में कर लीजिए, इधर से ICICI में कर लीजिए, ICICI से HDFC में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप किसी का भी चेक उठा कर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप ट्रांसफ़र तो कर ही लेंगे विद इन अ सेकेंड, क्या ज़रूरत है। इसके साथ ही आपके जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके साथ आप बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हैं साथ के साथ। जैसे ये मैंने क्लिक किया, मेरा ये अकाउंट है, सेलेक्ट बैंक अकाउंट, मैंने क्लिक कर दिया। अब उसमें मुझे इसका जानना है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, अपना सिक्योरिटी कोड डालूँगी और आ जाएगा। ऐसे ही सारे बिल्स आप आसानी से पे कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल रिचार्ज में जाइए, कोई भी जिस नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल दीजिए, या मम्मी पापा का, मान लो मुझे अपने पापा का करना है सपोज़ करिए, तो मैं यहाँ पर जो पापा के नंबर को अपने ही अकाउंट से निकाल लूँगी, पापा का चूज़ करूँगी और उनका पे कर दूँगी। DTH है, मुझे अपने टाटा स्काई पे करना होता है, तो यहाँ पर DTH कुछ भी हो, एयरटेल है, डिजिटल है, डिश टीवी, रिलायंस सन, टाटा स्काई, D2H, जो भी आप करना चाहे, देखिए जैसे मैंने किए हुए हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे याद है कुछ समय पहले मुझे टाटा स्काई ख़त्म हो जाता था और मैं सोचती थी आप क्या करें, मेरी बेटी फ़ोन करके बोलती थी माँ डलवा दो, अच्छा मुझे पैसे अमाउंट डलवा दो, उसमें टाटा स्काई ख़त्म हो गया, मेरा कार्टून चल रहा है, अब क्या करें, बड़ा इशू आ जाता था। फिर हम शॉप में ढूंढते थे, भैया आप करते हैं रिचार्ज टाटा स्काई, हाँ अभी कर दिया, 20-30 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, उसके बाद रिचार्ज कर दे, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल करिए, क्रेडिट कार्ड बिल, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बैंक में एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई मतलब नहीं होता है, आप इससे पे करिए आराम से। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, मुझे कुछ भी नहीं करना है, बिना किसी परेशानी के आप कुछ भी चूज़ करिए और आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट घर बैठे। हिस्ट्री ये देखिए, अच्छा हाँ एक ट्रांजेक्शन का फ्रेंड्स मुझे बताना था कि ये इसके थ्रू भी आप स्कैन के थ्रू भी कर सकते हैं। आप दूसरे का मोबाइल लीजिए, उसके दूसरे जिसमें आपको पे करना है, स्कैनिंग का ऑप्शन लगा होता है, आप स्कैन का यहाँ से प्रेस करिए, देखिए कॉर्नर में आपको स्कैन का ये दिख जाएगा, यहाँ पर आपने क्लिक किया, ठीक है, आप ऐसे करेंगे बारकोड दूसरा आएगा और वो अपने आप रीड करेगा चीज़ों को और ट्रांजेक्शन कम्प्लीट, अमाउंट डालिए, अपना सिक्योरिटी कोड डालिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसमें आप जो भी रिमाइंड में डालते हैं कि भाई मुझे मेरा मोबाइल का पे करना है, मुझे टाइम से बता दे, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल हर मंथली पे करना होता है, भूल जाते हैं कभी कभी, दिमाग में नहीं रहता है, इतनी ज़्यादा व्यस्तता है आजकल लाइफ में, तो आप इसको रिमाइंडर के तौर पर सेव कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन देगा बार बार कि भाई आपका टाइम हो गया, मोबाइल रिचार्ज करा दीजिए, आपका टाइम हो गया है, क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करा लीजिए, आपका टाइम हो गया, लोन पेमेंट करा दीजिए, जो भी आप चाहे एज अ रिमाइंडर। अगर आपको लगता है कि मुझे नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रॉपर देगा फोन पे। अब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक ये जो नए नए ऑप्शन निकालते रहते हैं ये भी आपको तुरंत दिखाते रहेंगे, ये लॉन्चिंग फोन पे ATM, ये देखिए फास्टैग रिचार्ज जो मैंने आपको बताया कि ये नया ऑप्शन स्टार्ट किया हुआ है, गैस ट्रेवल इंश्योरेंस वाला ये वाला किया हुआ है, गेट लॉन्चिंग फोन पे ATM वाला ये किया हुआ है, तो स्टार्ट होने वाला है और जो स्टार्ट हो चुके हैं ये आपको स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब फ्रेंड्स आते हैं इसमें सारे व्यू ऑल स्विच ऐप्स, जितने भी फोन पे के जो ऐप्स हैं आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है आजकल, ओपन हो जाए। अब इसके बाद आप देखिए ट्रेंडिंग में क्या क्या, दिल्ली मेट्रो के जैसे रिचार्ज कर लेते हैं यहीं पर, ओला कैब्स, ग्रोफर्स, मिंत्रा, शॉपिंग करिए खूब यहीं से बैठे हुए, सब लिंक कर दिया फ़ोनपे ने। अब पॉपुलर में देखिए आप कितने से पॉपुलर में नंबर वन ट्रेंडिंग, IRCTC, डोमिनोज, सो ओयो होटल्स, ईट एंड फीड,
ये देखिए कैटेगरीज में बांटे हुए हैं, आपको फूड चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, हेल्थ एंड फिटनेस का कुछ हो, शॉपिंग हो, ट्रेवल एंड टैक्सी हो, एंड अदर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अर्बन क्लैप हो गया है, टी गोल्ड हो गया, बुक माई शो, मूवीज के लिए ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ये देखिए आपको ऑफर्स भी ये बताते रहेगा कि आप, ये देखिए ऑफर्स भी बता रहे हैं, तो आप यूज भी करिए, ऑफर्स भी पाइए, ऐसा है इसमें। आप यूज भी करेंगे मतलब आपको एक तरह से ये है कि आपको फैसिलिटी भी ले रहे हैं आप, और इसमें आपको वो ऑफर्स भी दे रहे हैं कि भैया आप यूज भी करो और हम आपको डिस्काउंट के तौर पे आपको अवेलेबल कराएंगे 5 रुपए 10 रुपए। देखिए अब आपको हिस्ट्री में दिखा देती हूँ, या माई ये रिवार्ड्स उसमें स्टोर्स में आ जाते हैं पहले। चलिए इंटरनेट इशू अभी आ रहा है। अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ, व्यू माय रिवॉर्ड्स, ये देखिए भाई मैंने ये रिवॉर्ड्स लिए हैं, कूप सारे ये हैं, कूपन्स मिले हैं मुझे, तो ऐसे ही आप भी यूज़ करते रहिए सब, तो यूज़ भी करेंगे आप प्लस इसके साथ कूपन भी पाएंगे, इतने सारे देखते रहिए सारे। तो दोस्तों ये सारी जानकारी है आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आप को सिर्फ फैसिलिटी मिलेगी, इसमें सिक्योरिटी कोड होता है, बस आप उसको शेयर ना करें किसी के साथ भी, अपनी सिक्योरिटी कोड को आप शेयर नहीं करना है, जो भी है आपको अपने साथ ही रखना है, अपने पास अपने मन में रखना है, आपको याद रखना है जिससे कि आप ऑपरेट कर सके, आपको नहीं भूलना है। तो ये थी मेरी जानकारी दोस्तों, और होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और ये शायद आपको हेल्पफुल हो जाए ऑपरेट करने के लिए, तो प्लीज़ ऑपरेट करिए, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगली बार फिर मैं आपको एक और डिजिटल पेमेंट के साथ आपको फिर मिलूँगी, तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। गूगल पे डिजिटल पेमेंट भी होता है, इसमें भी बहुत लोग वो हो जाते हैं कि यार कैसे पेमेंट करें, क्या होगा, ये सारे ऑप्शन हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आते, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे मिलूँगी फिर दोबारा पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ गूगल पे की। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे वाली पसंद आई हो पहले तो उसके बारे में ज़रूर लिखेगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बारे में भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर इन्फॉर्मेशन आपको जिससे कि मिलती रहे, और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके।